तो कल की मूवी का ना पहला रिव्यू आउट हो चुका है, और ये रिव्यू को सुनने के बाद, देखने के बाद भाई मेरा तो मूड ऑफ हो गया, और मुझे लगता है कि जब भी तुम लोग को पता चलेगा तुम लोग का भी मूड ऑफ हो जाने वाला है, बिकॉज ये रिव्यू में बातें ही ऐसे करी गई है भाई। 5 स्टार में भाई 2 स्टार इस फिल्म को मिले हुए हैं। देन इसके अलावा भाई बताई जा रही है कि प्रभास सर और देविका पादुकोण ने टोटली डिसअपॉइंट करा है। इसके अलावा ये फिल्म में एंटरटेनमेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे स्क्रीन में भाई रिव्यू आ रहा है, ये इंसान का नाम है उमेर संधु और खुद को ये इंसान क्रिटिक बोलता है। इसका ये चीजें कहना है कि सेंसर बोर्ड में मैंने इस फिल्म को देखा हुआ है। देन इसके अलावा यह फिल्म बहुत ही लो क्वालिटी की फिल्म है, इसमें थोड़ा सा स्टाइल में थोड़ा हाई रखा गया है बट कंटेंट वाइज काफ़ी ज़्यादा लो रखा गया हुआ है, और इसके साथ साथ लैक्स ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू इस फिल्म में डाले गए हुए हैं। मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पर इस फिल्म में कुछ भी नहीं डाला गया हुआ है। देन इसके अलावा यह फिल्म की जो प्लॉट है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा प्लॉट है, बहुत ही लैगिंग सा प्लॉट है। देन इसके अलावा प्रभास और दीपिका पादुकोण के लिए बैड लक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर लोग ये फिल्म काफी ज्यादा नुकसान करने वाली है। बट अब हम लोग बात करते हैं, क्या ये इंसान सच में जेन्युइन इंसान है या फिर एक फ्रॉडबाज इंसान है? तो मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, ये इंसान बहुत बड़ा फ्रॉडबाज इंसान है। ये इंसान के रिव्यू पर तुम कभी भी बिलीव मत करना, ये जस्ट एक केआरके टाइप इंसान है। और इसके साथ साथ जब भी इसका मैं प्रोफाइल चेक कर रहा था, मुझे कहीं से भी नहीं लगा यार कि ये सेंसर का कोई बोर्ड का मेंबर है। सो मुझे नहीं लगता कि भाई इन जैसे दो कौड़ी आके सेंसर बोर्ड वाले कहने वाले लोग भाई इस फिल्म का कुछ भी बाल भी भागा कर सकते हैं, बिकॉज अपना जो प्रबॉस है ना वो अलग ही हड़का मचा के रखा हुआ है अभी बॉक्स ऑफिस पे एडवांस बुकिंग पे। इसके अलावा जितना मैंने ट्रेलर को देखा है, जितना मैंने अंदर के लोगों से बातें करा है, सबका यही चीजें कहना है बवाल फिल्म है। और भाई अभी ना जो ये एडवांस बुकिंग से जो रिपोर्ट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं पागल कर देंगे, जब भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो रात वाला वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर, आज दिन का क्या क्या एडवांस बुकिंग हुआ है, कहाँ से क्या रिकॉर्ड बनाया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक एक चीज पर तुम्हारा भाई बात करने वाला है। पर तब तक के लिए तुम लोग को तुम लोग इस पर क्या कहना है उमेर संधु के रिव्यू पे, तुम लोग का क्या टिप्पणी है प्लीज कमेंट करके तुम लोग जरूर अपना प्यारा सा जो वचन है ना लिख के जरूर भाई प्रकट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।